हाई एवरी वन सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट टी एक्सी टेक्नोलॉजी ठीक है तो आजकल वैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं टी एक्सी के बारे में तो मैंने बोला एक वीडियो क्रिएट कर देता हूँ तो जैसे कि हम सारी वीडियोज में डिस्कस करते हैं उसी प्रकार से इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और डी एक्सी के बारे में शॉर्ट शॉर्ट में हर चीज को हम डिस्कस कर लेंगे राइट तो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे सबसे पहले हम समझेंगे जॉब रोल को जॉब रोल के बाद उसके सी टी सी को समझेंगे उसके बाद वर्क को समझेंगे ठीक है तो देखो अगर मैं जॉब रोल की बात करूँ तो यहाँ पर तीन कैटेगरी में डिवाइड है जॉब्स फ़र्स्ट होती है आपकी एक एसोसिएट लेवल की फिर होती है एक लेवल की फिर होती है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डोमेन की यहाँ पर जो मैं मेजरली फोकस में रख के आपको आ, बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो होने वाला है सॉफ्टवेयर डोमेन में अगर आप एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एनी टेक्निकल पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हो एनी टेक्निकल पोस्ट इन डी टेक्नोलॉजी तो उसको लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो देखो जो सबसे पहले ये तीन प्रोफाइल हैं इनका हम थोड़ा सा वर्क को डिस्कस करते हैं तो जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला पोस्ट होता है कि जेनरिक टर्म है अब इस जेनरिक टर्म में क्या होता है कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर अगर मैं डी की बात करूँ तो डी इज़ मेनली वर्किंग ऑन जावा एंड मेन फ्रेम ठीक है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं कि आपको जावा या फिर मेन फ्रेम पर ट्रेन किया जाएगा ओके तो जावा और मीन फ्रेमिंग की मेजर टेक्नोलॉजीज है बट डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और उस वक्त पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है डी के पास कैसे प्रोजेक्ट्स हैं उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है ठीक है कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलती है येस ट्रेनिंग में फुल सैलरी आपको मिलती है डी में ओके तो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ ट्रेनिंग में असेसमेंट के बारे में बताऊं तो यस आपके असेसमेंट एग्जाम्स वगैरह ट्रेनिंग में होते हैं जिनमें आपको लगभग 60 परसेंट तक का स्कोर करना होता है तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई आगे के पॉइंट पे अगर मैं पढ़ूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने जैसा आपको बताया एक जैनिक ट्रम है तो सबसे पहले तो आपको एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेन किया जाता है अब उस ट्रेनिंग के बाद होता क्या है ये होती है एक जनरल ट्रेनिंग यहाँ पर दो कंडीशन होती है कि या तो आपको फिर डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट में असाइन कर दिया जाएगा जिसमें उस टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी या दूसरी कंडीशन होती है कि भैया कंपनी पे कोई दूसरे टाइप का प्रोजेक्ट है जिसमें इस स्किल के अलावा कोई दूसरी स्किल चाहिए तो हो सकता है कि आपको एक इंटरनल ट्रेनिंग उस प्रोजेक्ट में दी जाए सपोज आपने जावा सीखी है लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जावा स्क्रिप्ट ठीक है और अभी उन पर बंदे नहीं है जावा स्क्रिप्ट की कंपनी पर तो आपकी जावा पर तो ट्रेनिंग हो चुकी है लेकिन अब प्रोजेक्ट के अंदर आपकी पंद्रह बीस दिन की फिर से ट्रेनिंग हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट की तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट पर भी डिपेंड करती है तो ऐसा मत समझना कि एक ट्रेनिंग होने के बाद आपकी दूसरी ट्रेनिंग नहीं होगी फिर आपकी इंटरनल ट्रेनिंग्स भी हो जाती हैं ठीक है तो जो एक बूट कैंप ट्रेनिंग वो तो मिलती है स्टार्टिंग में उसके बाद इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग्स भी आपको देखने को मिल सकती है ठीक है तो एक जनरल टर्म है अगर मैं मैं बात करूं इसके वर्क की तो इसको मैं मैं तो इसको मेजरली चार में डिवाइड करना फर्स्ट होता है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो काम होता है वो होता है कोडिंग का, का काम दूसरा अगर मैं बोलूंगा तो वो होता है सपोर्ट का थर्ड होता है मेंटेनेंस का फोर्थ होता है टेस्टिंग का तो ये चारों काम इंक्लूड करते हैं कोडिंग में जब जब कोडिंग वाला काम होता है उसमें आप लाइव ऑब्जेक्ट्स की कोडिंग वगैरह कर रहे होते हो सपोर्ट की बात करूँ तो प्रोजेक्ट सपोर्ट का आप काम कर रहे होते हो और अगर मेंटेनेंस की बात करूँ तो प्रोजेक्ट में जो कोड फिक्सेस हैं उसका काम आप कर रहे होते हो और टेस्टिंग की बात करूँ तो आप कोड की टेस्ट कर रहे होते हो कि भाई कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई इसमें केस तो मिस नहीं हो रहा तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिंग ठीक है तो मेजरली ये चार चीज़ों पे ये डिवाइड रहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वर्क ठीक है तो आई थिंक मैंने जॉब प्रोफाइल तो काफ़ी डिटेल में अब डिस्कस कर ली है तो आगे बढ़ते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है आप लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आता है तो उसके बारे में बात करते हैं वो है सी टी सी तो देखो इस साल स्पेशली अगर मैं इस साल की बात करूँ तो डी एक्सी ने अपना कंपनसेशन लेटर रिवाइज किया है ठीक है अब उससे हुआ क्या है कि जनरली जो फ्रेशर्स एलोकेट हुए थे उनको 4.2 का पैकेज मिल गया ठीक है 4.2 का पिछली ईयर तक 3.6 का मिल रहा था ठीक है और इस साल 4.2 का मिल गया है अब बात ये आती है कि भैया इसमें क्या कटिंग होती है इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके दो कटते हैं एक तो पीएफ एफ कटता है और एक आपका कटता है जीएफ जीएफ मतलब होता है आपका ग्रेजुटी फ़ंड और पीएफ होता है आपका प्रोविडेंट फंड ठीक है तो ये दो आपकी कटिंग होंगी बेसिकली और उसके बाद भी इसमें थोड़े बहुत और डिडक्शंस वगैरह होते हैं और उसके बाद जो आपको इनहैंड सैलरी मिल रही होती है वो कितनी होती है तो आपकी जो मंथली सैलरी क्रेडिट होगी वो कहीं सत्ताईस हज़ार से तीस हज़ार रुपये के बीच में क्रेडिट हो रही होती है ठीक है सत्ताईस हज़ार रुपये से तीस हज़ार रुपये के बीच में क्रेडिट हो रही होती है और अगर मैं इसके अलावा बात करूँ कि भैया और क्या मिल रहा होता है तो भैया डी में आपको सैलरी के अलावा मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा होता है जिसमें आप अपने डिपेंडेंट्स को डाल सकते हो और डिपेंडेंट्स के साथ आपको पर्सनल एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिल रहा होता है तो ये आपको एडिशनल एडवांटेज अपार्ट फ्रॉम सैलरी मिल जाता है ठीक है तो छोटा सा ही पोर्शन था सी का कुछ ज़्यादा इंडेप्थ नहीं था तो ये मैंने इसमें क्लियर कर दिया कि आपका ऐसा ऐसा कुछ सैलरी का रहता है राइट तो ये सी भी क्लियर हो गया तो हमने डिस्कस कर लिया जॉब प्रोफाइल सी अब देखो अगर मैं अब मैं बात करूं अगर वर्क की तो देखो एज अ फ्रेशर जब आप जाते हो तो जनरली हर कंपनी का आपको सिमिलर ही वर्क देखने को मिलेगा ऐसे आपको डी में भी देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली सबसे पहले आपको एक टेक्नोलॉजी असाइन वगैरह की जाएगी ट्रेन किया जाएगा ट्रेन पर आपका वर्क होगा लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आप वो अपना लर्निंग एटीट्यूड अगर लेके चलो कि भाई हाँ यार अभी तो हम फ्रेशर हैं इंडस्ट्री लर्निंग हमारी ज़्यादा नहीं है हमें सीखनी है तो आपको कंपनी सही लगती है फिर तो वही है कि आप मन लगा के अपना काम वगैरह करो लोग सपोर्टिव है डी में आपको एक सपोर्टिव एनवाइट देखने को मिल जाएगा तो वो चीज़ सही है कि आपको मतलब जो यरमेंट है एटलीस्ट कंपनी में वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा ठीक है बाकी मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे ज़्यादा कुछ पॉइंट आउट करूँगा नहीं उसका रीज़न है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैं ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इसलिए पॉइंट आउट नहीं करता बाद में फिर चैनल बड़ा हो चुका है तो बाद में फिर मेल आते हैं वीडियो रिमूव कराने के लिए या कुछ हो तो अब मैंने नेगेटिव पॉइंट्स तो बोलना छोड़ ही दिए हैं तो यही है तो, तो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे बोलने को वैसे बोलने को तो है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा ठीक है तो ये बात हो गई इसकी वर्क कल्चर की तो वर्क कल्चर इज़ सपोर्टिव इन डी ठीक है तो अब अगर मैं और आगे बात करूँ कि भाई प्रोफेशनल करियर पर इसका कैसा क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो देखो डी में जब आपकी लर्निंग हो जाएगी जब आप एज फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो आपकी लर्निंग हो जाएगी तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने आपको मार्केट स्टैंडर्ड से हमेशा स्किल्ड रखो ठीक है अब मार्केट स्टैंडर्ड से स्किल्ड रखने से क्या मतलब है? आप जिस चीज में काम कर रहे हो उसके आसपास की टेक्नोलॉजी क्योंकि बेसिकली आपको कैरियर उसी के आगे बनाना है उसी फील्ड में तो आप उसके मार्केट स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजीज के साथ आप जो कर रहे हो कंपनी में वो तो ठीक है लेकिन उसको भी थोड़ा बहुत देखते रहो क्योंकि जब आप आगे स्विच करोगे या आगे के कैरियर में आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है तो बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत सीखते साथ में रहना और आगे कैरियर में ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है और ओवरऑल uh, अब और क्या बात कर सकते हैं बस इतना ही था इस वीडियो में तो हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस करी ली हाइक्स के लिए uh, मैं इस वीडियो में नहीं बात करूंगा uh, हाइक की क्योंकि अगर जनरली बताऊँ तो डी में हाइक्स आर नॉट गुड उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको अदर कंपनीज़ में देखने को मिल जाती हैं ठीक है थीके? तो उसके बारे में डिटेल कुछ में डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा और यही था इस वीडियो में आई थिंक आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मैं यार ज़्यादा चीज़ें इसलिए और नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि फिर कुछ चीज़ें नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाएगी या फिर कुछ चीज़ें इंटरनल पॉइंट्स में आ जाएंगी तो जो ऊपर ऊपर से चीज़ें मैं कवर कर सकता हूँ वो मैंने आपको कवर करके कर दी है इस वीडियो में तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसी प्रकार की किसी और कंपनी पर भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो थैंक यू